वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो ये ख़ास करके बिलखसूस उन लोगों के लिए हैं जो अपने पेनिस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी उनका पेनिस की लंबाई सिर्फ़ और सिर्फ इतनी बची है कि वो खाल तक आ पाता है, उसके बाहर नहीं निकल पाता, इतना छोटा हो चुका है। जब इतना छोटा होगा जाहिर सी बात है तो वो बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही फिर वो बच्चे करने की सलाहियत रखेंगे, बहुत कम रखेंगे। तो ऐसे लोग भरे बहुत परेशान रहते हैं, उनकी बीवी उनको नामर्द बोलती है और बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब ऐसे मामलात होंगे बीवी नामर्द बोलेगी तो शर्मिंदा होना तो ज़रूर पड़ेगा। तो आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए एक ऐसा टेबो फार्मूला लाया हूँ कि अब आप उसको आजमाएंगे, यूज़ करेंगे तो उससे आपके पेनिस की जो है वो लंबाई काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। जो आपने हस्तमैथुन इतना ज़्यादा किया है बचपन में तो नसें जो आपकी दब चुकी हैं वो नसें आपकी उससे खुल जाएंगी और नफ्स बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा वो गुजारिश है थोड़ी सी, उससे बयान करने से पहले गुजारिश करता हूँ कि चैनल पर नया हूँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने क्या क्या चीज़ लेनी है? सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो खरातीन लेनी है, ताज़ा खरातीन। अब लोग पूछते हैं खरातीन क्या होती है? देखिए खरातीन वो होती है, एक इसका नाम एक कैचुआ भी है, यानी जिससे मछली पकड़ी जाती है कांटे में लगा कर के, जिसको जिससे मछली पकड़ते हैं खरातीन, जिसको घेंसा भी बोलते हैं, वो होती है। आप ताज़ा खरातीन ले लें और लेने के बाद रात को अपने पेनिस पर उसको अच्छी तरह से आप रगड़ लें, पेनिस पर उसको रगड़ लें। रगड़ने के कुछ देर के बाद 4-5 मिनट के बाद आप एक पान का पत्ता ले लें, बनारसी पान का, बनारसी पान जो है वो अपने पेनिस पर जो है वो बांध लें और बांधने के बाद आप ऊपर से सूती कपड़ा लपेट लें और ये तकरीबन आप जो है 48 घंटे तक या 30 घंटे तक बांधे रहें, क्योंकि पान का पत्ता अक्सर इतनी देर में सूखता है, तो 30 घंटे में या फिर 48 घंटे में तो आप इसको बांधे रहें। और फिर उसके बाद जब इसके दिन पूरे हो जाएं तो आप इसको खोल दें और खोलने के बाद इसको गुनगुने पानी से, गर्म पानी से इसको धो डालें और फिर सूती कपड़े से आप इसको साफ़ कर दें। ये आपको जो करना है ये किसी दिन रात में करना है। इंशाल्लाह आप इसको करेंगे तो आपकी सारी के सारी नसें जो हस्तमैथुन करने की वजह से दब चुकी हैं वो खुल जाएंगी। और हमारे वो भाई जो कहते हैं हमारी टाइमिंग कम है, हमारे वीर पतला है, ऐसे कोई भाई हैं अगर वो गारंटी की रेडीमेड दवा हमसे चाहते हैं टाइमिंग बढ़ाने की या वीर गाढ़ा करने की, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप फ़ोन करने के बाद दवा ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारे पास वो दवा है जिससे आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बीवी को संतुष्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारा फार्मूला आपको ये पसंद आया होगा। फार्मूला पसंद आया होगा तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।